सर आज ये प्रोग्राम क्या चल रहा है उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए। आज का प्रोग्राम ऐसे है, हम लोग ग्रैंड मास्टर कोचिंग कैंप चला चेस का, इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है ऑल अरुणाचल प्रदेश चेस एसोसिएशन, आपका शॉर्ट फॉर्म बोला जाता है ये। एक्चुअली इसको AICF ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का स्पॉन्सर्ड है, उसमें एजिस ऑफ AICF वी आर ऑर्गेनाइजिंग दिस कोचिंग कैंप स्पेशली फॉर द एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन 6 to 15 ईयर्स। मिस्टर प्रवीण पितिप से ग्रैंड मास्टर इंडिया इज इम्पार्टिंग द कोचिंग कैंप। और ये कोचिंग कैंप कितने दिन चलेगा, जैसे आज 24 आज इनोग्रेशन होता है, कितने दिन चलेगा ये कोचिंग कैंप? कोचिंग कैंप हम लोग का 1 week का है, 1 week यानी 24 to 30 तक है। तो अभी यहाँ पे जैसे अभी कोई किसी को पार्ट लेना है, जैसे आपने कहा कि 6 to 15 एजेस का है, तो किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होगा और फी का स्ट्रक्चर कैसा है? प्री कोचिंग कैंप है इसमें, एक्चुअली हम लोग उसमें उल्टा ऐसे AICF स्पॉन्सर करें, जो बेस्ट परफॉर्मेंस बेस्ट 20 पार्टिसिपेंट्स को हम लोग फॉर 300 rupees करके होनर दे रहा है, उसको जो अलाउंस दे रहा है। और अभी तक कितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा है? रजिस्ट्रेशन 25 किया है। तो एक्चुअली अभी एक्चुअली प्रोग्राम शुरू होना था, एक्चुअली इस बार गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एजुकेशन डिपार्टमेंट में पूजा का वजह उससे पहले एग्जाम जो प्री बोर्ड और अदर्स होम टेस्ट को ये बिफोर पूजा का पहले करने का वजह से अभी एग्जाम पूरा चल रहा है, इसलिए कुछ पार्टिसिपेंट्स लोग हम लोग को परस्यू किया कि टाइम को थोड़ा एक्सटेंड करो, आज का जो एक्चुअल 10 से शुरू होना था नहीं हो पाया, तो इसमें हम लोग 12 को रहना पड़ गया। अभी जैसे यहाँ पे जितने बच्चे लोग पार्टिसिपेट करेंगे कैंप में, कोचिंग कैंप में, तो उनको कुछ फैसिलिटीज मिलेगा कि आगे जाके अगर कोई अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो स्टेट को या डिस्ट्रिक्ट को नेशनल लेवल में प्रेजेंट करेंगे स्टेट? क्यों नहीं, ये तो स्पोर्ट्स में आप लोग पता ही है, अरुणाचल का स्पोर्ट्स पॉलिसी में 10% का स्पेशली पुलिस को 5% ओवरऑल में तो देता ही स्पोर्ट्स को होता है, एवरी नौकरी में पियोन से लेकर ये इवन ए ग्रेड ऑफिसर तक मिलता ही, इसमें जो अच्छा परफॉर्मर तो वो तो ऑब्वियसली मिलेगा, फैसिलिटीज तो क्यों नहीं मिलेगा, सब स्पोर्ट्स का इक्वली इंपॉर्टेंस है, कराटे बॉक्सिंग बोलो, लेकिन चेस में जो ज़्यादा अच्छा खेलेगा तो वो भी उसका भी नंबर आएगा, जिससे बाकी लोग अवेल करता है बाकी डिपार्टमेंट में, बाकी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में। चेस खेलने वाला के लिए कुछ अदर्स ड्रग एब्यूज अदर ये एंटी सोशल एक्टिविटीज नहीं करता, चेस में बिजी रहने के बाद एक खेलने के बाद आपका अपना पढ़ाई वाला स्पेशली खेलना चाहिए, इसमें जो प्रूफ है उसमें रिसर्च करने वाला प्रूफ है, चेस खेलने वाला बहुत आगे बढ़ जाता है, आगे बोल के नहीं, इसका दिमाग किसी में इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, जैसे कि कुछ ये अनवांटेड काम नहीं करता है, जैसे कि अभी जैसे कि कोई लोग पबजी खेलता है, इस टाइप का बिजनेस चेस में तो थोड़ा अपना मेंटल भी उल्टा अच्छा होता है, उसमें अलग ही स्पोर्ट्स है चेस एक, उसमें इंदौर में चला जाता है और इतना हार्ड पसीना निकलने से मेंटली ठीक होना, पैरालाइज वाला भी खेल सकता है जो बूढ़ा एज लिमिट नहीं चेस में ऐसे होता है, तो इसलिए स्पेशली हमें बहुत मोटिव बता दीजिए, मोटिव टू प्रमोट द चेस प्लेयर्स इन स्टेट। Thank you, sir. Okay.